बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बुक का जो पहला न्यूमेरिकल यहाँ आपके पास सामने मौजूद भी है, अ पेयर ऑफ लाइक पैरल फोर्सेज 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड देयर रिजल्टेंट। ठीक है, पेयर ऑफ फोर्सेज हैं जो लाइक हैं। ठीक है, तो डाटा हम बना लेते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस, बल्कि लाइक फोर्सेस, ठीक है, इज इक्वल टू F1 F2। ठीक है, F1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ठीक है, एंड F2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2। जो फोर्सेस होती हैं लाइक फोर्सेस होती हैं, लाइक पैरेलल, उन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टू अनलाइक पैरल फोर्सेस, एग्जैक्टली उसी तरह होगा। ठीक है, मैं इसको बल्कि यहां से कॉपी करके उठा लेता हूं। ठीक है, दो फोर्सेस हैं जो अनलाइक हैं तो आप यहां लिखेंगे unlike, pair of unlike forces F1, F2 दोनों जो हैं वो 10 न्यूटन दे रही हैं आपको, ये भी 10, ये भी 10। अब फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ प्लस के बजाय आप माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट जो है वो आपके पास 15 माइनस 15 जीरो न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा दूसरे न्यूमेरिकल का। ये बात याद रखनी है कि जब पैरेलल फोर्सेस होंगी दो तो उन दोनों को जितनी भी होंगी, और लाइक होंगी तो उनको प्लस करेंगे, अनलाइक होंगी तो उनको माइनस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 आपके पास है, 3 फोर्सेस 12 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड 8 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, फाइंड देयर रिजल्टेंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, इस तरह आपके पास जो है वो डायग्राम आएगी। ठीक है, जिसमें F1 जो है ये है जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, और इसका जो ग्राफ है वो आपको बता रहा है कि ये 12 न्यूटन है। ठीक है, 0 से लेकर 10 से आगे एक खाना, दो खाने और आगे मींस 12 न्यूटन। ठीक है, फिर दूसरी जो है वो 8 न्यूटन की है जो एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ये है F2। ठीक है, तो इसका ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है, और तीसरी जो है वो विद एक्स एक्सिस एंड 8 न्यूटन, आखिरी जो है 8 न्यूटन की अलोंग वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है। ये देखें, ये F3 जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये 3 फोर्सेस होंगे, एक बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है, एक एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है, और एक जो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करेंगे, पहले की टेल के साथ और आखिरी के हेड के साथ हम वेक्टर बनाएंगे इसका, और हमें जो है इसका आंसर मिल जाएगा। अब अगर आप इसको नापेंगे जब, ठीक है, तो आपके पास फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो है वो आएगा आपके पास F इज इक्वल टू, आपके पास ग्राफ सेव करने के बाद जो है फोर्स जो रिजल्टेंट है वो आपके पास आएगी, आप नाप भी लें इसको। ठीक है, 22.322 न्यूटन। ये किस तरह पता चली, ये जो लास्ट आपका जो बना है एरो, इसको जो है आपने जो है वो रूलर से नापना होगा या ग्राफ के जरिए, जो ये ग्राफ आपके सामने इससे नापेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ जो है एंगल क्या बनेगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन जो है वो एंगल बताएगा, एंगल आप नापेंगे तो आपका एंगल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 37.7 डिग्री। ठीक है, यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40 डिग्री। ठीक है,
थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक्यूरेटली नापें, मेजर करें, तो 37.7 डिग्री आपके पास आएगा। ठीक है अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है अ गार्डनर इज ड्राइविंग अ लॉन मूवर। ठीक है, लॉन के ऊपर जो सफाई के लिए या घास वगैरह के लिए जो है उस चलाते हैं विद अ फोर्स, उस पर फोर्स लग रही है 80 न्यूटन, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो एक गार्डनर जो है वो एक कहना चाहिए लॉन मूवर चला रहा है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 40 डिग्री का जो है वो एंगल बना रही है और 80 न्यूटन जो है इसको फोर्स लग रही है। ठीक है, तो हमें इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना है और इसका वर्टिकल, ओह सॉरी बिल्कुल सीधा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो मालूम करना है। ठीक है, डाटा बना लेते हैं। डाटा में फोर्स आपके पास जो है वो 80 न्यूटन। ठीक है, थीटा आपके पास जो है वो 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री है। अच्छा, अब आपने जो है पहले आप मालूम करेंगे एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो होगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, इजिकल टू 80 cos 40 और ये आ जाएगा 80 sin 40। ठीक है, 40 डिग्री एंगल है, इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, 40 का कॉस आपके पास है 0.76 मल्टीप्लाई बाय 80 इजिकल टू ये आपके पास आ जाएगा 61.28। ठीक है, 61.28 न्यूटन। ठीक है अच्छा जी, और फोर्टी का साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 80 इजिकल टू ये आपके पास आ जाएगा 51.42। ठीक है, इजिकल टू 51.42 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ये आपके पास जो है वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। ठीक है, तो डेटा इसका हम बना लें। पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास जो है वो एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स इजिकल टू 4 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई इजिकल टू 3 न्यूटन। हमें मालूम क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो जब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दिए हों तो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने का जो फार्मूला है वो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, एफ इजिकल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, पूरा अंडर रूट, पूरे का जो है वो हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एफ एक्स जो है वो आपके पास है 4 का स्क्वायर प्लस एफ वाई आपके पास है 3 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 9। ठीक है, मींस ये आपके पास आ गया 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 500 लें तो 5 न्यूटन जो है वो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो है मालूम जो हम करेंगे वो हम करेंगे उसका जो फार्मूला हम इसको पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, अपने लेसन्स में डायरेक्शन ऑफ फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो थीटा, हमें उसका जो है वो मालूम करना होगा, थीटा इजिकल टू 10^-1 मल्टीप्लाई बाय एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये कैसे है, यह डेरिवेशन पूरी हमने लेसन में की है।
ठीक है, तो उसको डिफाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है अच्छा जी, तो 10^-1 मल्टीप्लाई बाय एफ वाई आपके पास है 3, एफ एक्स आपके पास है 4। ठीक है, तो इसका हम 10-1 निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास आएगा 3/4 = ये है। ठीक है, एक मिनट, इसका है 36.86। मींस कि एंगल जो आपके पास यहाँ आ रहा है वो है 36.86 डिग्री। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, जब रिजल्टेंट दो फोर्सेस का जो है वो डायरेक्शन, आखिर रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमें मालूम करनी हो तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर रिजल्टेंट मालूम करना हो ठीक है तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, स्पैनर ऑफ 0.3 मीटर लेंथ कैन प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 300 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो डाटा अगर हम यहाँ बनाएं तो यहाँ टॉर्क जो आपका बन रहा है, लेंथ बल्कि पहले ले लें, लेंथ ऑफ स्पैनर आपके पास है 0.3 मीटर। ठीक है, और टॉर्क जो है वो आपका बन रहा है 300 न्यूटन मीटर। ठीक है, हमें जो है वो फोर्स मालूम करनी है। सबसे पहले डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है, और दूसरा व्हाट शुड बी, अच्छा ये बाद में देखते हैं, फोर्स हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो लेंथ, टॉर्क और फोर्स का जो फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टॉर्क के अपने उसमें, तो वो है कि टॉर्क जो है वो बराबर होता है फोर्स और लेंथ के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो आपके पास इसको एल को जो है हम इधर डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ इजिकल टू टॉर्क अपॉन एल। ठीक है, तो टॉर्क आपके पास है 300 और लेंथ आपके पास है 0.3। ठीक है, तो ये पॉइंट हम हटा दें या एक जीरो ऐड कर दें और ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा 1000 आ जाएगा। तो फोर्स मींस आपको यहाँ जो लगानी पड़ रही है वो है 1000 न्यूटन। ठीक है, अब क्या किया ना, व्हाट शुड बी द लेंथ, अब हमें लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, नंबर ये हो गया नंबर 1, नंबर 2 में हमें लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, और इफ द टॉर्क, टॉर्क जो है वो आपके पास आ जाए, आ गया है 500 न्यूटन मीटर। ठीक है, फोर्स आपके पास यहाँ मौजूद है 1000 न्यूटन। ठीक है, तो हमें एल मालूम करना है, एल के लिए भी हम यही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाया था, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल। ठीक है, एफ इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन एफ। ठीक है, टॉर्क आपके पास जो है वो है 500। ठीक है, और फोर्स आपके पास है 1000। ठीक है, तो ये आपके पास 1/2 मीन्स 0.5 मीटर। ठीक है, ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा दूसरे का। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है, न्यूमेरिकल अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर। ठीक है, इज बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। इफ 20 न्यूटन फोर्स, एक मीटर रूल है, रूलर है, ठीक है, वो एक जगह बीच में सेंटर पे जो है वो बैलेंस किया गया है। ठीक है, एट इट्स सेंटर इज बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस। ठीक है, एक तरफ उसके 12 न्यूटन है, दूसरी तरफ 20। इफ 20 न्यूटन फोर्स इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ठीक है, तो 20 न्यूटन जो है वो 3 मीटर पे लगी हुई है, तो अब आपने मालूम करना है कि 12 न्यूटन कहाँ लगी है। ठीक है, और अगर फिर 20 न्यूटन को हम 4 सेंटीमीटर पर मूव कर देते हैं, ठीक है,
तो हमें 12 न्यूटन की जगह, यहाँ 12 न्यूटन की जगह कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम डाटा यहाँ बनाए, सबसे पहले डाटा बनाते हैं। ठीक है, डाटा में हमारे पास आ जाएगा F1 जो है वो है हमारे पास 20 न्यूटन। ठीक है, F1 F2 कोई से भी कर ले, F2 जो है हमारे पास है 12 न्यूटन। ठीक है, अच्छा उसके बाद मोमेंट आर्म जो है, ठीक है उसको आप L ले लें। ठीक है, 20 मीटर जो है वो आपके पास, 20 मीटर की जो लेंथ है वो है आपके पास 3 मीटर। ठीक है, तो हमें मालूम करनी है दूसरे की लेंथ। ठीक है, L2। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और सॉल्यूशन में हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी टॉर्क की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो बराबर होती है। मींस के F1 मल्टीप्लाई बाय D1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय D2। आप इसको D कर लें, L कर लें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो F1 आपके पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू F2 आपके पास है 12 मल्टीप्लाई बाय D2। ठीक है, तो D2 ये 12 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 12। ठीक है, 3 वन्स आर 3, 4 आर 4, 1 आर 4, 5 आर, तो D2 आपके पास है 5 मीटर। ठीक है, अब आपके पास D2 5 मीटर आ गया। अब आपने जो है वो 20 न्यूटन को जो है वो मूव कर दिया है 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सिचुएशन 2 हम बना लेते हैं। D1 आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, F1 आपका है 20 न्यूटन। ठीक है, यही है, अच्छा, और D2 आपके पास 5 मीटर आ गया है। ठीक है, D2 आपके पास 5 मीटर है। आपको F2 जो है अब मालूम करनी है, जो 12 से 12 न्यूटन से रिप्लेस होगी, वही फार्मूला लगेगा जो ऊपर लगा है। ठीक है, सॉल्यूशन कर लें। F1 into D1 is equal to F2 into D2। ठीक है, तो F1 जो है वो आपके पास है 20 multiply by 4 is equal to F2 multiply by 5। ठीक है, 5 इधर denominator में आ जाएगा, F2 अकेला हो जाएगा। F2 is equal to 20 multiply by 4 upon 5, 5 ones are 5, 4 are 4, 4 are 16। तो मींस के आपकी जो F2 अब लगेगी वो 16 न्यूटन्स की लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अ मैकेनिक यूजेस अ डबल आर्म स्पैनर। ठीक है, एक स्पैनर है जिसमें कपल बन रहा है। डबल आर्म से मुराद ये कि आप उसको कपल बना रहे हैं। ठीक है, एक कपल को हम बहुत अच्छी तरह जो है वो अपने मकाम पर इस लेसन में कर चुके हैं। ठीक है, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एट ईच एंड, इधर भी 15 न्यूटन, इधर भी 15 न्यूटन, इधर भी, ऑफ द स्पैनर प्रोड्यूस टॉर्क ऑफ 16 न्यूटन मीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल, हमें लेंथ पूरी मालूम करनी है। ठीक है, तो डाटा बना लेते हैं पहले। ठीक है, डाटा में आपके पास जो है अप्लाइड फोर्स जो आ रही है F इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ठीक है, और टॉर्क आपके पास जो है आ रहा है वो है 60 न्यूटन मीटर। ठीक है, छह जी लेंथ ऑफ कपल यानी D हमें जो है मालूम करना है, या L मालूम करना है, D लिख लें या L मान लिख लें। ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन में आपके पास टॉर्क जो है वो F इंटू डी है। ठीक है, तो डी आपके पास जो है, एफ इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डी इज इक्वल टू
टॉर्क अपॉन एफ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो टॉर्क आपके पास है डी इज इक्वल टू 60 अपॉन 15, 15 वन्स 15 फोर्स, तो डिस्टेंस आपका जो है वो आ जाएगा 4 meters, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, इफ ही वांट्स टू प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर विद सेम स्पैनर देन हाउ मच फोर्स ही शुड अप्लाई, ठीक है। तो अब आपके पास जो सेकंड कंडीशन आपके पास आ रही है, ठीक है, उसमें आपको फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, डी आपके पास 4 meters है, ठीक है। टॉर्क आपका चेंज हो गया, टॉर्क जो आपको लगाना है वो 80 न्यूटन मीटर्स लगाना है, ठीक है। सॉल्यूशन में वही फार्मूला आ जाएगा जो ऊपर आया था, सॉल्यूशन, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब हमें मालूम करना है एफ, तो डी इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन डी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4 20, तो ये आपके पास फोर्स जो लगेगी वो 20 न्यूटन्स की यहाँ दरकार होगी लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिफॉर्म मीटर रूल इज बैलेंस एट द 30 सेंटीमीटर मार्क विद अ लोड ऑफ 0.80 न्यूटन, ठीक है। एक मीटर रूल है, ठीक है, उसको बैलेंस किया है, ठीक है, और 0.80 न्यूटन जो फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, इज हंग एट द जीरो मार्क, ठीक है। तो यूनिफॉर्म उसको बैलेंस किया 30 सेंटीमीटर पर, किस पर, 30 सेंटीमीटर पर, ये यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर बन रहा है, ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 meter का रूल है ये, ठीक है। अच्छा, इसकी ओरिजिनल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छा जी, फोर्स जो लगाई गई है 0.80 न्यूटन की वो यहाँ है, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया इस जगह पे, वैसे तो यहाँ बैलेंस होता लेकिन चूंकि यहाँ फोर्स लगी है तो लिहाजा पिवट को यहाँ लेकर आया गया और यहाँ उसको बैलेंस कर दिया गया, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द रूल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल, ठीक है, डाटा बना लें, एफ इज इक्वल टू 0.80 न्यूटन, ठीक है। फोर्स आपके पास 0.80 न्यूटन हो गया, ठीक है। मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स, ठीक है, यहां हम पॉइंट बना लेते हैं ओ ए, यहां फोर्स लग रही है ना, तो ये मोमेंट आर्म जो है, ठीक है, मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है, ये है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 meters, ठीक है। 30 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 meter हमारे पास मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स आ जाएगा, ये, ठीक है। वेट, रूलर का जो वेट है वो W है, ठीक है, वेट हमें मालूम करना है, ठीक है, और मोमेंट आर्म ऑफ वेट जो है वो 0.2 है। 0.2 कैसे, 30 से 50 तक जो है वो उसका मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म ऑफ वेट, ठीक है, वो है 0.2 meter, ठीक है। 20 सेंटीमीटर मींस, इसका पहले बेशक लिख लें, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 meter, ठीक है। ये क्यों है, यहां से यहां तक 0.3 meter है यानी 30 सेंटीमीटर है, ये मोमेंट आर्म है फोर्स का। वेट बिल्कुल बीच में 50 सेंटीमीटर पे लग रही है, बाकी यहां से 30 से 50 तक यहां 20 सेंटीमीटर है, तो ये 0.2 meter है जो कि मोमेंट आर्म है वेट का। यहां फोर्स है और यहां वेट है, ठीक है। अब हमें जो है वेट मालूम करना है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहीं पे होगी जहां वेट आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा
एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस आर मल्टीप्लाई बाय जीरो माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय ओ जी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो बैलेंस में यहाँ पर आपके पास जो है वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। और ये रिएक्शन है, ठीक है, आर जो है जो यहाँ रिएक्शन इसका लग रहा है वो है, ठीक है। तो एफ आपके पास जो है वो है 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस, ये आर जीरो से कुछ भी हो, जीरो से मल्टीप्लाई हो और जीरो ही आ रहा है, माइनस वेट आपको मालूम नहीं है, ठीक है। W मल्टीप्लाई बाय ओ जी 0.2 है इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। छः जी, अब आपके पास जो है आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0.8 को, या आपके पास 0.24 आ जाएगा, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.3 0.24 आ गया, माइनस W मल्टीप्लाई बाय 0.20 इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये वाला साइड पूरा उधर ले जाएं, ठीक है। तो ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, आपके पास सर आ जाएगा माइनस W मल्टीप्लाई बाय 0.20 इज इक्वल टू माइनस 0.24। तो दोनों साइड का माइनस आप हटा दें, आपके पास W मल्टीप्लाई बाय 0.20 इज इक्वल टू 0.24 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। W इज इक्वल टू 0.24 डिवाइडेड बाय 0.2, ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ से आप इसको हटाएं मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ से इसको हटाएं मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 24 डिवाइडेड बाय 20, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ जो वेट आपके पास इधर आ रहा है ये वो है 1.2 न्यूटन्स का, ठीक है। ये कैलकुलेशन का जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है, और इसको हम तफसील से जो है अपने लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज हमने यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 5 को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।